हमारी बातें दुनिया के लोगों को बुरी जरूर लगती है, पर हम आपको प्रसन्न कर भी अपना बनाना नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि बस आप इतना भजन कर लें और इतनी मेहनत कर लें कि आपका परिवार, आपका घर, ये घर भी सवरे और वो घर भी तुम्हारा सवर जाए, इसलिए कुछ कह देते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं। हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा जो होगा। किस्मत कह रही है कि मेहनत तो कर। गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा भी बार बार कहती है कि कर्म करिए। भगवान शंकर ने विष पिया तब जाकर देवताओं को अमृत मिला है, अगर वो विष नहीं पीते तो अमृत देवताओं को मिलता ही नहीं। कर्म करना पड़ेगा तब फल की प्राप्ति होती है। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठ जाना, जो होगा भगवान ने जो रचा होगा सो तो होगा होगा। भगवान कह रहे हैं मैंने रचा तो है पर मेहनत तो तुझे करना है ना, मेहनत तो तुझे करना। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं महाराज जी व्यासपीठ से, ये जो पर्दे होन लगे हैं इनको थोड़ा ऊंचा कर दो, पब्लिक ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी और कुछ नहीं। थोड़ा या तो इधर कहीं जगह हो तो बड़ौदा के कार्यकर्ता और यहाँ कंजरी के कार्यकर्ता, ऐसा जो बाहर लोग खड़े हुए हैं और बहुत मात्रा में खड़े हुए, उनको ऐसे भेज दो तो इधर से व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुचारू हो जावे। हम ये नहीं करें कि तुम लोग खसक खसक के बैठो, आप तो जहां बैठे बस वहां बैठो, परंतु जिसको जगह जहां मिलती जाए वो वहां बैठता जाए। हर हर महादेव। एक चित्त आनंद का विषय, किस्मत के भरोसे नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। माना किस्मत प्रबल हो, भाग्य प्रबल हो और उसके साथ में मेहनत भी हो। भोजन दे दिया भगवान ने, बहुत सारा प्रसाद भगवान ने लाकर दे दिया, बहुत सारा भोजन लाकर दे दिया, पर खाना तो हाथ से ही पड़ेगा और खा भी लोगे। मान लो कोई दूसरा अगर आपके, आप हाथ भी मत हिलाओ और दूसरा व्यक्ति अगर आपको हाथ से खिला भी देगा तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे मुंह चलाने में भी नहीं, भले कोई मुंह में लाके दे दे मैं नीच चबाऊंगा। अब तुम अकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नहीं चबाना, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूं, ऐसा नहीं होता। मेहनत करना पड़ेगी और जब हम किस्मत के साथ में मेहनत करना प्रारंभ करते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत का फल परमात्मा भी विचार कर दे ही देता है, वो पीछे नहीं हटता है। करना पड़ेगी मेहनत, थोड़ा मेहनत हमको करना है। बस मेहनत के साथ में परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन भी जरूरी है। हमने ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि आपके शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर को मत दिखाओ, हम कभी नहीं बोलते। हम एक बात जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, दवाई लो, गोली लो, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर जो दवाई तुम डॉक्टर की दी हुई खा रहे हो उसको देव अधिदेव महादेव को बोल कर कि हे कुंदकेश्वर महादेव इसको अमृत कर दीजिए, बस इतना बोलकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे बाबा उसको संभाल। श्री शिवाय नमस्तु, शिव तत्व है। और घड़ी और महाराज उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप कहीं ना कहीं हमें पुण्य जरूर देता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप करोगे भजन, आप नाम जाप करोगे, आप कीर्तन करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। आप दिखाएं, सारी जांचें कराएं, क्योंकि हमारे पास में ना तो मंत्र है, ना तंत्र है, ना विद्या है, ना भभूति है, ना बेल है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल, केवल एक लोटा जल का आप क्रम अपनाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और वो जल तुम्हारा दिखावे का या छल का नहीं होना चाहिए, वो जल तुम्हारा दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित होना चाहिए। शिव संभाल लेगा, मेरा ओघड़दानी आपको संभाल लेगा।
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में जोड़ती जागे बाबा डोर हटो छटी राम कटी जावे, भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। ये सब हमारे को किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। किस्मत भी साथ में रखो और मेहनत भी साथ में रखो। जब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलेगी तो ये निश्चित है कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर जब लोभ आता है, हमारे भीतर जब वासना आती है, हमारे भीतर जब अहंकार आता है, हमारे भीतर जब तृष्णा आती है, हमारे भीतर जब आसक्तियां आना चालू हो जाती है, तब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, हालोल में है हड्डी के डॉक्टर, अच्छा कंजरी में है, अच्छा चलो बड़ौदा में है, चलो दाहोद में भी होंगे, हाँ अहमदाबाद में भी होंगे। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना और हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, किसी अंधे व्यक्ति की हड्डी टूटी कभी? हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, अंधे व्यक्ति का पांव टूटा, अंधे व्यक्ति का हाथ टूटा, अंधा व्यक्ति कहीं सिर फोड़ा, अंधे व्यक्ति का कभी हाथ पैर टूटा हुआ नहीं मिला होगा। हमेशा हाथ पैर टूटते हैं तो आंख वाले के ही फूटते हैं। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछकर आओ कि कोई अंधे व्यक्ति कभी पांव टूटा कि हाथ टूटा नहीं। अंधा व्यक्ति एक छड़ी हाथ में लेकर चलता है और छड़ी से, बस एक छड़ी अंधा व्यक्ति हाथ में लेकर चलता है और वो कहीं नहीं गिरता है। आंख वाले को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा भटेरचा जैसा आंख दिया तो भी खड्डे में, गाड़ी से, दचके में, पत्थर से, ठोकर से, बाथरूम में, सीढ़ी से, सामान से गिरता आंख वाला ही है, अंधा नहीं गिरता। क्योंकि अंधे के पास में एक छड़ी है, उसने वो छड़ी पकड़ रखी है इसलिए वो कहीं नहीं गिरता। उसी तरह शिव महापुराण की छड़ी जिसने पकड़ रखी है वो संसार में कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं गिरेगा। अगर शंकर रूपी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये छड़ी है हमारी, ये छड़ी जिसने पकड़ ली वो संसार में कभी नहीं गिरेगा। गिरता कौन है? आंख वाला। आंख वाले से मतलब देखा काम में डूब गया, देखा आसक्ति में डूब गया, लोभ में डूब गया, वासनाओं में डूब गया, तृष्णा में डूब गया। ये देखने वाला गिरता है आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासनाओं में, आसक्तियों में, अंधा नहीं गिरता। उसके पास में वो छड़ी है, उसके पास वो छड़ी है जिससे वो संभल कर चल रहा है। आए जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं जिसको दुख ना आए। एक महाराज जी का पत्र कल, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नदर शरण आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ये। आप शिव की भक्ति में डूबे रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम भगवान करो, विश्वास करना, मेहनत करना, और मेहनत के साथ में जब विश्वास पूर्ण होगा तब एक जीवन का आनंद हो। आप मेहनत में पीछे मत हटना, अगर मेहनत में पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ये पावागढ़ वाली भी दे देगी और महादेव भी दे देगा, निश्चित है।
कर्म करना पड़ेगा। हम बैठे हैं केवल सामने भोजन की थाली भगवान दे देगा लगा देगा, पर हाथ से भगवान खिला भी देगा पर मुंह तो चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोगों ने सबको आलसी बनाने का प्रयास कर दिया, सबको आलसी। कोई कर्म नहीं करना चाहता, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए घुमाए और नीचे से हंडा निकल आए और हमारे पास में गोल्ड ही गोल्ड सोना ही सोना हो जाए। सियोर वाला महाराज को हंडा निकालना नहीं आता, तुम्हारे पास में कोई महाराज हो जो हंडा निकाल के दे दे तो हमें भी बता देना, हम कथा नहीं करेंगे हंडे से काम चला लेंगे। हम भी हंडे से बहुत कठिन है, इसलिए साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हंडे के पीछे नहीं भागे, ये संत साधु राम के पीछे भागे हैं, क्योंकि राम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मेरे राम मेरे शिव मेरे कृष्ण से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिसने नारायण को पकड़ लिया लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके पास दौड़ कर आ जाती है। ये शिव तत्व है। महाराज जी सीताराम सरकार के मंदिर में कंजरी में इतने आए हुए हजारों भक्तों के लिए लाखों भक्तों के लिए रोज भोजन बना। हम जितनी बार महाराज जी से पूछे, परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज जी से जितनी बार पूछा, हमने भंडारे की चर्चा 2-3 बार करी और पहले दिन भी आपने देखा होगा हम पहले आए तो सबसे पहले महाराज जी से एक ही बात की, हमें भंडारा का दर्शन करा दो। महाराज जी हमने निवेदन करा, महाराज जी ने हमको आराम से भंडारा का दर्शन, एक बात उन्होंने बारंबार कही, सब राम जी चला रहा है, ये जितना भंडारा चला रहा है राम जी चला रहा है, कितने आ रहे कितने जा रहे कौन खा रहा कौन जा रहा ये सब राम जी चला रहा है, उसके सिवा कोई। इसको कहते हैं राम पर अटूट भरोसा विश्वास दृढ़ता। और इसी को दृढ़ता कहते हैं संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कभी इधर उधर नहीं जाता, वो राम की शरण में रहता है। रोटी देगा वो, मेरे भजन के बल पर मुझे मिलेगा वो। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है कि परमात्मा को भी लक्ष्मी को उसके पास भेजना पड़ता है और भंडार भरना पड़ता है। जैसे भरा भरा, और मेरा विश्वास कहता है कि हजारों लोग रोज भोजन कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा सीताराम सरकार का जो भंडारा होगा अंदर से भंडार ग्रहण होगा, जहां सूखा सामान रखा होगा, ये मेरा विश्वास कहता है सीताराम जी ने उसको खाली नहीं होने दिया होगा, भरा की भरा रखा होगा। ये मेरा राम। अब वहां कौन आ रहा है भरने के लिए, तो वहां कोई ऐसा मंत्र मारने वाला या छुमंतर करने वाला कोई नहीं आएगा, वहां केवल राम आया है, राम संभाला, राम ने कराया। और मेरा ओ घड़ी मेरा शिव मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शंभू, भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार कहा भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने करी। जब हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक तब देखा जाएगा, पर कर्म के साथ अपना कर्म करते जाओ और भोलेनाथ जी पर विश्वास जड़ी करते जाओ। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, मेरा विश्वास कहता है कि मुझे वो पास करेगा। मैंने एग्जाम दिया है, दिल से दिया है, अच्छा दिया है, मेरा विश्वास कहता है मेरा कॉम्पिटिशन एग्जाम में होगा। मैंने भरोसा करा है, मैंने विश्वास किया है, मैंने पढ़ाई करी है, मेहनत करना है और विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है विश्वास करना है। मैंने पूरी पढ़ाई करी है और सारी इंटरव्यू की तैयारी करी है, मेरे को निकालेगा वही। अब मैं इंटरव्यू कहीं किसी मैनेजर के सामने देने नहीं जा रहा हूं, अब मेरा महादेव के सामने देने जा रहा हूं, वो मुझे निकालेगा जब, ये निश्चितता है। अब विश्वास को दड़ी बना लो, हम नहीं बना पाते, बहुत कठिन है महाराज जी, टूट जाता है व्यक्ति बहुत जल्दी टूटता है, और भगवान के पास तो सबसे आखिरी में जाता है, पहले सबको फोन लगाएगा तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ मेरा ये काम कर जाओ। जब कहीं से नहीं होगा तब आखिरी में मेरे महादेव के पास राम के पास कृष्ण के पास पहुंचेगा। मेरी आखिरी आखिरी उम्मीद तुम हो।
तुझे कहना था मेरा पहला प्रयास आप हो, तो यह नहीं कहना पड़ता कि मेरी आखिरी उम्मीद आप, मेरा पहला प्रयास आप हो। देवाधिदेव महादेव, मैं जानती हूं ये कंजरी से शिव महापुराण की कथा सुनकर आज मैं चली जाऊंगी, पर जिसके लिए मैं ये कल्पवास करने, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आते हैं अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर ले लेकर आते हैं, रात भर पंडाल में पड़े रहते हैं, रात भर भजन गाते रहते हैं, सुबह उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं, हम इनको कल्पवासी कहते हैं। जैसे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं, हरिद्वार में जाके कल्पवास करते हैं, ऋषिकेश में जाके कल्पवास करते हैं, नर्मदा के घाट पर जाकर कल्पवास करते हैं, शिव महापुराण में जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, कथा सुनता है, भूमि पर शयन करता है, आसन बिछाकर सोता है, हम उसको मांग कर खा रहा है और जा रहा है भंडारे में भगवान का भोजन करता है, हम उसको जो VIP ट्रीटमेंट को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी पंडाल में जीता है, हम उसे कल्पवासी कहते हैं, शिव का पाने वाला भक्त कहते हैं। मिला उसको, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा महादेव नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा राम नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा कृष्ण नहीं होना चाहिए, मेरा पहला प्रयास मेरा शिव, मेरा पहला प्रयास राम, मेरा पहला प्रयास कृष्ण होना चाहिए। पहला ही एक बार में ही पहला प्रयास ही ऐसा कर दो कि गेंद पाले के बाहर हो जाए, तो फिर उम्मीद की जरूरत ही नहीं। पहला प्रयास मेरा शिव हो, पहला प्रयास मेरा राम हो, पहला प्रयास मेरा कृष्ण हो, हम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे। अब मेरा कहीं से काम नहीं हो रहा, तब भगवान के पास में लोटा भर के पानी लेके पहुंच गई, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। महादेव बोले पहले ही आ जाती तो उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे को पहला प्रयास मनाओ। महादेव कहते पहला प्रयास मुझे बना, मुख में हो राम नाम राम सेवा, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास से। महाराज आपका पहला प्रयास मेरा देवाधिदेव महादेव मेरा राम मेरा कृष्ण होना चाहिए, आखिरी उम्मीद नहीं पहला। पावागढ़ वाली माता की जो पहली सीढ़ी पर पांव रख लेता है वो फिर आखिरी नहीं देखता, फिर वो चढ़ता चले जाता है, पूछता जा रहा है थक गया हूं कितनी बची है, आने वाला भी कहता है घबराओ मती थोड़ी ही बची है, चलते जाओ और चढ़ता है, हाफड़ी भरा रही अब कितनी रह गई है, बस वो दिख रही है यहीं से, फिर देखा नजदीक है मेरी मां, फिर दो चार चढ़ गया, हाफड़ी भर आई, फिर बैठ गया, आप कितनी रह गई है, सामने ही है, दिख तो रही है पर वो हमको देख नहीं रही है, तो वो ऊपर से वो बड़े बड़े नयन वाली अपने नयनों से केवल नीचे बैठे हुए को देख कर कहती है तू पहली सीढ़ी पर पांव तो रख दे, खींच कर बुलाना मेरी जवाबदारी है, यही बुलाऊंगा वहीं तक। अब ऊपर पहुंचा दर्शन करे, बहुत थक गया पांव दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ गया, पर जैसे ही फिर सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आया ऐसा लग रहा था ऊपर इतना दर्द था, जब नीचे आया तो इतना दर्द नहीं लग रहा, तो ऊपर से माता रानी ने कहा बेटा भी मेरे पास से गया है ना, माँ की गोद में जब तक औलाद रहती है ना तब तक दर्द मालूम नहीं पड़ता, कल मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, अब कल मालूम पड़ेगा। 2 दिन तक बाम लगा के मसे, 2 दिन पूरा, अब अभी थोड़ी ना मालूम पड़ना था। चलते जा, चलते। बस चढ़ते गए। पहली सीढ़ी, पहला भरोसा, पहला विश्वास, पहली दृढ़ता उसने मां को मान लिया, इसलिए चढ़ गया।
आखिरी उम्मीद मानता तो नहीं चढ़ता। भैया ऊपर से आने वाले बता रहे हैं 1800 सीढ़ी है और एसी कैसी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम चले जाओ, तुम चले। मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना, मेरा पहला प्रयास, मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण हो। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का। और जब भरोसा दृढ़ी हो, विश्वास पक्का हो, भरोसा जब दृढ़ी हो जाए, विश्वास जब पक्का हो जाए, और भरोसा दृढ़ी होने पर, विश्वास पक्का होने पर, फिर वो परमात्मा का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाएगा। मैंने तेरे भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ते जावांगे, बाबा डोर हटो छड़ीला मैं लटी जावांगे। शिव कृपा उसकी उदान। कब से खड़े हैं क्यों ना सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मेरे तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा मुझे ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं भोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं भोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हरि बोल राधे, हरि बोल। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी,
हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से कहिए, मन से कहिए, बाबू से कहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम्, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम्, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम्, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम्, शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर, भगवान शंकर का गुणगान करे, आपका विश्वास जड़ी बना कर। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता निकलने के बाद विष की प्राप्ति हुई, विष के बाद में फिर रतन माणिक मोती औषधि ऐरावत, फिर बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर मेहनत नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते, तो क्या अमृत मिल सकता था? नहीं। उन्होंने मेहनत करी और जब मेहनत करी तो उसके भरोसे पर अमृत की प्राप्ति हुई। करो, देखो, गौ माता निकली, विष निकला, और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना उसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, दो तीन महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, दो चार महीना रहता है, तीन महीना दो महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिवजी का अभिषेक करना चाहिए और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिवजी का करा और उस दूध का पान करना पीना प्रारंभ कर लिया, तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होती है। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के तुल्य होता है।
का जमाना तो बड़ा विचित्र है साहब। कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर कर रहा है। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है, उससे नजर आता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनिया, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी देसी गाय का अगर दूध एक चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, दो बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है, वो कोई साधारण नहीं करता, बहुत कृपा। उसका एक आनंद ही दूसरा है। और प्रयास करिए, हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में, कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो तो, रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुंचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुंचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रुमावली, उनके मूत्र आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गौ माता की सेवा का सुख प्राप्त। करो सेवा। हम कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कुत्ता मत पालो। हम क्यों कहें? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने व्यासपीठ से बोला करो कि मदिरा मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम उनसे कहते हैं, हम कह भी देंगे तो क्या छोड़ रहा है फालतू में बोल के अपना मुंह खराब करना कि तुम ये मत करो, वो मत करो। तुम तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। और इतना सा निवेदन है, इतनी सी एक प्रार्थना है, जो भी चीज तुम खा रहे हो पी रहे हो उससे अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लगे और तुम्हारा परिवार दुखी होने लगे, परिवार में रोना पड़ रहा हो, बच्चों की जिंदगी नाश हो रही हो, तो ऐसा व्यसन मत करना जिससे तुम्हारा घर का नाश हो। ऐसा व्यसन मत। कोई कितना भी कह दे तुम्हें गंगा जी में ले जाकर भी खड़ा कर दे और संकल्प दिला दे कि तू आज से नहीं पिएगा, वो एक दो हफ्ता नहीं पिएगा। क्यों? संकल्प से या कसम देने से कभी व्यसन नहीं छूटता। व्यसन अपने अंदर से जब चोट लगती है तब छूटता है। व्यसन किसी के कहने पर नहीं छूटता। ये कितनी पत्नियां हैं जब शादी होके आई थी उसको पहली बार मालूम पड़ गया था कि ये मदिरा पीते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं। उसने कितना आंदोलन किया, मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं तो अपने मायके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं तो जा रही, सब छोड़ के चली भी गई, बापड़ा गया ही नहीं लेने, जा तो बेटा नहीं गई।
अब सोच रही करूं क्या, उसको चोट लगना चाहिए, उसके भीतर इस चीज का ग्लानि होना चाहिए, इस भीतर दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने अगर मदिरापान करा है तो मैं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं बीड़ी पी रहा हूं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, उसको खुद में ये ग्लानि उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे भीतर ये दोष क्यों है। अभी कल की कथा याद कर लो, अचार की बरनी में दाल सब्जी की चम्मच अचार को सड़ा देती है, जिस मनुष्य के भीतर राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम समाया हुआ है उसके भीतर अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत है तो वो भजन को भगवान तक जाने नहीं देता है, छोड़ो उसको, करो भजन, स्मरण करिए। निकली सबसे पहले और एक गाय नहीं निकली है, मंथन के समय पर पांच गौ माता निकली हैं, पांच गाय समुद्र मंथन में से निकली है, एक नहीं निकली है पांच, सुरभि सुशीला सुभद्रा नंदा बहुला, पांच गाय निकली, एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली, नहीं नहीं समुद्र मंथन में पांच गाय निकली है, सुरभि सुशीला बहुला नंदा भद्रा, ये पांच गौ माता मंथन में से निकली है, निकली सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी सुशीला जैसी बहुला जैसी गाय निकली, प्रकट हुई है। और कितनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी, बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया, हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवाधिदेव महादेव पर जाकर गिर गया, महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे, बहुला ने तेज श्वास खींच ली और जो तेज श्वास खींची शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गई, शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए, मेरे महादेव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ, हाहाकार मच गया, शिव जी कहां गए, शंकर जी कहां गए, मिली नहीं रहे, हाहाकार मच गया, मां जगत जननी जगदम्बा के पास सूचना पहुंच गई, भोलेनाथ नहीं दिख रहे, मेरे त्रिकालदर्शी मेरे शंभु नजर नहीं आ रहे, मेरे शिव ना जाने कहां चले गए, तब मां पार्वती ने ध्यान लगाया कि भोलेनाथ गए कहां हैं, तब स्मरण में आया कि वो बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए हैं क्योंकि मनोरथ को मारने जा रहे थे, मनोरथ बहुला गाय का पुत्र है। मनोरथ को मारने गए थे, मनोरथ को अब 33 कोटि देवी देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति की, मां कृपा करिए, मां करुणा करिए, आपके उदर में आपके पेट में देवाधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो गए हैं, मां करुणा कर दो, इनको प्रकट कर दो। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे इसलिए मैं उनको निकल गई, मां गलती हो गई, आप क्षमा करिए, अब जरा विचार करिएगा जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं उस पेट के अंदर तुम गाय को क्या दे रहे हो, पॉलीथीन में बांध कर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो, वो पॉलीथीन गाय खा जाती है उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है और वो गाय मर जाती है, विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गाय को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है, आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है, अब शहर की गौशाला शहर की गायों को, रोडों पर चरने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भरकर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब
रिसर्च करा जाता है कि वो गाय 15 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीना 6 महीना 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया है और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती है, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती है। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलिथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है। इसलिए गाय को मरना तो पड़ेगा, वो पॉलिथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। महाराज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोल के काम खत्म हो जाता है, काम खत्म। इतना कहा समाप्त हो गया। कल नर्मदा जयंती मनाई गई, कभी गंगा जयंती मनाई जाती है, कभी ताप्ती जयंती मनाई जाती है, कभी चंद्रभागा जयंती मनाई जाती है, सारी पवित्र, कभी छिपरा जी के तट पर कोई जयंती मनाई जाती है, पवित्र से पवित्र नदियों के तट पर जयंतियां मनाई जाती हैं। एक से बढ़कर एक त्यौहार, एक से बढ़कर एक उत्सव मनाया जाता है। हम मना नहीं करेंगे, आप त्यौहार मनाओ, उत्सव मनाओ, जयंती मनाओ, खूब खर्च करो, सुंदर सजाओ, सुंदर उत्सव मनाओ, पर निवेदन केवल इतना है कि नर्मदा हो, गंगा हो, कावेरी हो, छिपरा हो, सरयू हो, उनके तट पर तुम कुछ भी मनाओ, पर ये कागज के दिए, ये प्लास्टिक के दोने में दिया जलाकर तुम नदियों में फेंक देते हो, वो आगे जाकर तुमने तो दीपदान कर दिया, तुमने तो वहां दिए लगा दिए, पर बाद में घाट पर पड़ा हुआ कचरा, नदी में डाला गया कचरा, वो सारा एक जगह पर दूषित होता रहता है। हमारी पवित्र नदियां अगर ऐसी दूषित होती रहेगी तो ऐसी जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी पवित्र नदियों का स्मरण करना है, हमें अपनी पवित्र नदियों को बचाकर चलना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाकर चलना है, हमें अपनी गौ माता को बचाकर चलना है, हमारे संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनको भी बचाकर चलना है, हमें अपने भगवंतों को बचाकर चलना है, हमें अपने मंदिर मठ और देवालयों को बचाकर चलना है, वो निश्चितता सुख का अनुभव कराएंगे। निश्चितता सुख का अनुभव करें। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गौ माता का केवल थोड़ा सा अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, रोज शिव जी को चढ़ाया जाए और उसका पान किया जाए, ना जाने कितने रोगों को मुक्त कर देती है। अभी देखिए शिव बाबा प्रकट हो गए, गाय ने अपनी श्वास से शंकर भगवान को नंदीश्वर के रूप में प्रकट कर दिया, शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शंकर से गौ माता ने कहा, आप कृपा करिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद गौ माता को दिया, तेरा बेटा दूध पीता है, वो दूध तेरे थन से निकलने वाला देसी गाय का जो दूध है वो अमृत के तुल्य होगा, तेरा दूध मेरे ऊपर चढ़कर अमृत का कार्य करेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुख पर जो फेन आता है वो फेन किसी को शरीर सफेद पड़ जाता है, चमड़ी अगर सफेद होने लगती है तो वो फेन। महाराज पूर्णिमा के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही है और उसके मुंह पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में निकाल लिया जाता है, देसी गाय का बछड़ा, देसी गाय की दूध बछड़ा जब पिए उस पर फेन आ जाए वो चम्मच में निकाला जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को शरीर में जहां कहीं भी श्वेत रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, वहां उस फेन को लगाया जाता है। देसी गाय अगर फेन कम है तो देसी गाय का दूध मिला लिया जाता है, उसको शरीर पर लगाकर चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत उसको रखा जाता है।
फिर आधे घंटे बाद एक घंटे बाद स्नान करा जाता। चार पांच पूर्णिमा के अंतर्गत इस क्रम को जब करा जाता है तो धीरे 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 चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाती है और वो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल है देसी गाय के उस दूध में, उस फेन में इतना बल है। और हम आज के जमाने में इतने इतने आगे निकल गए कि गौ माता तो हमको सुहाती ही नहीं है। जहां देखो, कल भी हमने देखा, हम यहाँ से इधर भीड़ रहती है तो इधर से निकल जाते हैं, वो हमारे वो जिग्नेश भाई हमारे इधर ले जाए और पुलिस की गाड़ी इधर से चली जाए तो इधर से जाए, तो हम इधर से जा रहे थे, हमने देखा कि चार पांच गाय भी थी किसी एक महिला के पास में और दो भैंस भी थी, वो ऐसी चरा रही थी उसको, गाय कहीं पे भी जा रही है हमने देखा उसको, उसने कुछ नहीं करा, पर भैंस कहीं नहीं जाना चाहिए। वो गाय नहीं संभाल रही थी, क्या संभाल रही थी? भैंस संभाल रही थी। हमने भी मन में सोचा बस यही दशा आज के जमाने में सब जगह है, जो गाढ़ा दूध दे, ज्यादा दूध दे, कहीं से मुना अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो तो वो प्रॉफिट सबसे अच्छा भैंस से ही आता है। पर इनको समझाए कौन? गाय की अगर तुमने सेवा करी है, गौ माता की सेवा करी है, तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बैल कहते हैं, बैल को नंदी कहते हैं, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के, महादेव बैठते हैं। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो गाय का जो बछड़ा है बैल, बैल वो जो नंदी, नंदी शंकर जी से कहेगा इसने मेरी माता की सेवा करी है, इसको कैलाश पर लिया, लेकर आओ इसको कैलाश पर, नंदी कह देगा महादेव से। और तुमने अगर भैंस की सेवा करी, अब भैंस का जो छोरा है ताड़ा, उस पे कौन बैठा? यमराज। और उसने यमराज जब बैठे तो पाड़े ने कहा इसने मेरी माँ को, भैंस को खूब निलाया, खूब निलाया, खूब निचोड़ निचोड़ के दूध पिया, इसलिए मैं फर्ज अदा करो इसको नरक लिया पकड़। अब कंजरी वालों, तुम गाय पालो चाहे भैंस पालो, ऐसा करोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो कैलाश धाम है, और अगर भैंस माता की सेवा करो तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, उसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं है, तुम तो बैठो। और यमराज और भोलेनाथ दोनों में अंतर है, भोलेनाथ जी ले जाते हैं तो डमरू बजाते बजाते ले जाते हैं, और यमराज ले जाता है तो डमरू नहीं लाता है, वो तुम्हें इतना बजाता है, इतना बजाता है कि चिल्लाते चिल्ला मत मारे, मैं कसम खाऊं अगली बार भैंस नहीं पालूंगी, मत मारे। उन्हें फिर गदा लेकर फिर धोया, फिर धोया। अरे राम, मुझे कहां मालूम था गाय को कम चारा देती थी, भैंस को दूध के चक्कर में खली भी खिला देती थी, भैंस को नहलाती भी थी और खली चूरी और क्या क्या होता है अच्छा अच्छा आइटम भैंस को खिलाती थी, क्यों? दूध अच्छा देगी, पर मालूम क्या था कि मार भी अच्छा खिलाएगी। जब दूध खाया, अब यमराज की मार खा, खूब दो चार दादा खूब मार ठोकता ठोकता ऊपर ले गया। उसके रिश्तेदार मिले, मिलते से ही पूछे कलावती, कलावती बोली जी जी लीलावती तू भी यही है, मैंने भी चार भैंस रखी थी, कमर टूट गई वाली, अब रख ले भैंस। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत कबूरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
तो बच नहीं पाएगा। आपके कर्म का भोग आपको भोगना, वो निश्चितता में भोगना। शिव का भजन करना, शंकर का गुणगान करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में रम जाना, एक आनंद की अनुभूति करा दे। शिव महापुराण की कथा कह रहे, मंथन में निकला विष शिव जी ने पिया, देवताओं के हित के लिए पिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, वो विष बहुत पीता है। एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, दोनों में सबसे ज्यादा सुखी छोटी बहू होती है। बड़ी बहू इसलिए सुखी नहीं होती क्योंकि सास जब भी कुछ कहती है तो वो बड़ी कोई कहती है, तुझमें तो अक्ल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी, और छोटी कुछ भी कर जाए उसमें तो अक्ल नहीं है, वो तो छोटी है, छोटी है। बड़े बनने में तकलीफ है और छोटे बनने में आनंद है। जो जितना बड़ा बनता चले जाता है, जितना उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाता है, जितना वैभवपति धनपति बनता चले जाता है, उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी दूसरी हंसी। जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ज्यादा वैभवपति हो जाता है, ज्यादा गादीपति हो जाता है, ज्यादा ज्यादा ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठ जाता है, ज्यादा ऊंची जगह पर बैठ जाता है, उसकी दो चीजें समाप्त हो जाती है, एक रोटी, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, खाया भगा, और एक हंसता भी नहीं है बेचारा, जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा, बस ऐसा ही बैठा मिलेगा, कितनी भी हंसी की बात कर लो, क्योंकि ज्यादा हंस नहीं सकता क्योंकि वीआईपी है। ज्यादा हंसेगा लोग फोटो खींच लेंगे, तो बैठा हंस नहीं सकता। रोटी भी गई, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति शादी में जाएगा तो भूखा आएगा, गारंटी है, भूखा है फिर भी नहीं खा सकता। सब कह रहे ले प्लेट तो एक फिर किसी ने कहा सर सर एक गुलाब जामुन वीआईपी है। और जो साधारण होता है ना वो तो डट के निपटाता, आज सब खा ले, उसे कोई मतलब नहीं। अब जो वीआईपी बात है नहीं खा सके, वो जो वीआईपी है ही नहीं, वो तो पहले से बस जाते से पहले देखे स्टॉल कितना है, रोटी इधर, मैं कहां से चालू करूं, इधर से चम्मक लड्डू निपटा गया, गराड़ू निपटा गया, पानीपुरी निपटा गया, चाउमीन निपटा गया, बड़ा पाव निपटा गया, सब खाता खाता गुलाब जामुन गाजर का हलवा सब खा गया, आखिरी में फिर रोटी पे पहुंचा, तंदूरी दो रोटी और पनीर की सब्जी फिर खा गया, फिर मक्का की रोटी खा गया, और जो वीआईपी था बेचारा वो लिफाफा देके घर आ गया, ये 500 दिया 1000 का खाया, ऐसे नहीं आया, आया ही आपसे निवेदन है बहुत बड़े मत बनना, बहुत तकलीफ होती है, ज्यादा वीआईपी बन जाओ ना बहुत तकलीफ है महाराज जी, हम तो भगवान से प्रार्थना, हम तो तुम लोगों से भी कई बार आप लोगों से कहते हैं कोई पाँव नहीं पड़ो कोई किसी को वीआईपी, हमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वीआईपी पन के चक्कर में बहुत परेशान है, ट्रेन में भी सफर करो तो आधे पगला जाते हैं, अब बाथरूम भी जाना है तो वहीं पे खड़े हैं, इतनी तकलीफ करे क्या, अब मालूम पड़े हमारी तो धोती यूं और तुम कह रहे सर प्लीज एक, हमने कहा पहले नीची तो कर लेंगे दादा, अब नीची करे तो फोटो खींचे, मही खड़े पूछ लिया वट टीसी से क्यों सीवर वाला महाराज बैठा है आगे के केबिन ने, आओ बस उनने 4 को कहा इधर से 8 को कहा सब इकट्ठे, कहां गया सीवर वाला महाराज, बाथरूम में गया, मन कर रहा है आइसक्रीम बेचने वाला आया, मन कर रहा है खा लू, इतनी आफत पड़ी, तो निवेदन तुम सबसे हो कितनी कमाई कर लेना और कितने भी धनपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, पर इतने भी आईपी मत बनना कि चेहरे की हंसी चली जाए और मुंह की रोटी चली जाए, इतने भी आईपी मत।
हंसी बरकरार रखना। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे को कभी कथा में रोते हुए नहीं देखा, आप जब देखो जब हंसने की बात करते हो मुस्कुराने की बात करते हो, हमारी रामचरितमानस भी यही कहती है। दुनिया का दस्तूर यह कहता है, कौशल्या मैया ने भी राम जी से कह दिया था, माता पुनी बोली सोमती डोली तजउ तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन खाना। राम जी जैसे ही सामने आए तो कौशल्या मैया ने कह दिया था राम जी छोटे हो जाओ, राम जी बोले मैं क्यों छोटा हूं, तुम बच्चे हो छोटे हो, राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया कहती है अब तुम रो, अब तुम रोइए, बात मत करिए, रोइए, मैं रो, हाँ रो ठीक है। राम जी महाराज जब रोए तो कौशल्या मैया ने कह दिया, माता कौशल्या ने कह, माता कौशल्या ने कहा सुनो राम, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, ये संसार की रीति है। जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से अगर वो जन्म के समय नहीं रोता तो उसको डॉक्टर सिस्टर धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा। दुनिया के लोग रुलाना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा आपको मुस्कुराना सिखाती है कि स्माइल देते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहिए, आनंद, ये सुख है हमारा। जग कल्याण के लिए करा, विष पिया, अमृत दिया देवताओं को, गौ माता ने शिव जी का स्नान कराया, जो घर का बुजुर्ग है बड़ा है बयो है वृद्ध है उसको बहुत विष पीना पड़ता, बहुत। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बहू, घर की बड़ी बेटियां बहुत विष पीना पड़ता। पर एक बात माता पिता को भी ज्ञात होना चाहिए, तीन के भाग्य का धन माता और पिता को प्राप्त होता है, पहला गौ माता के भाग्य का, दूसरा संत ब्राह्मण गुरु के भाग्य का, और तीसरा बहन बेटी के भाग्य का। एक भाई को एक माता पिता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारा वैभव मेरा है, ये धन मेरा है, मेरी दौलत मेरी है। मां के गर्भ से बेटियों ने अगर जन्म लिया है तो उन बेटियों के भाग्य का धन मां बाप को अवश्य प्राप्त होता है, बेटी के भाग्य का धन माता पिता को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को भी ये विचार करना चाहिए कि बेटी के भाग्य का, गौ माता के भाग्य का और संत ब्राह्मण के भाग्य का हमको अवश्य मिलता है। गाय को एक रोटी दी है आपको उसका धन मिलेगा, संत ब्राह्मण की सेवा करी है, गुरुजन की सेवा करी है आपका वैभव बढ़ेगा, आपका राजपाट, आपकी सत्ता, आपका आनंद बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। आप करो सेवा गुरुजन की, आप करो सेवा संतजन की। श्री रामचंद्र जी महाराज जी एक बात कहे कि यहाँ का जो परमार परिवार है, राजघराना परिवार है, हमारे दादा गुरु की भी उन्होंने सेवा करी उनके परिवार ने, फिर उनकी गुरु की भी सेवा करी, फिर अभी भी सेवा में लगे हुए हैं, तो हम भी कहना चाहेंगे ये गुरु सेवा करिए उसी का फल है जो राज सिंहासन की कुर्सी बाबा ने आपको दी है, ये उसका फल है जो तुमने गुरु घर सेवा करी, संत गुरुओं की सेवा। और आने वाले बच्चों को भी कहिए वैभव सत्ता अपनी जगह पर होगी पर गुरु की शरणागति ना छोड़े। क्या मिलता है सेवा का फल, ये आप नहीं जान सकते। यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, कई कार्यकर्ताओं के फोन सीहोर के लिए भी आ रहे हैं, हमने पहले भी कहा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। पिछली बार जो रुद्राक्ष बटे थे वो धीरे धीरे कर कर बटते रहे, पर अब की बार जो 7 दिन दिए हैं बीमारी के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए,
जो सीहोर का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष के आगे दुनिया का कहीं नहीं मान्य होता। वो रुद्राक्ष आप लोग जब लेने के लिए 16 फरवरी से 22 फरवरी आएंगे, 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा, 24 घंटे। जो सेवा देने आ रहे हैं, कल हमको मालूम पड़ा मालेगांव से 600 लोग सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मालूम पड़ा औरंगाबाद से नारखेड़े जी की पूरी मंडली 14 से 15 लोगों की सेवा देने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। फिर मालूम पड़ा बड़ौदा से भी माहेश्वरी समाज के कार्यकर्ता सब सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं। अच्छी बात, बाबा की करुणा बनी रहे। उस सेवा का फल क्या है, उसका एक आनंद क्या है, वो सुख क्या है, करो उसे। कई लोगों ने कहा गुरु जी आप अलग से कार्ड दोगे, हमारे पास कार्ड वार्ड नहीं है। तुम्हारा गुरु आ रहा है, उसका ड्रेस कोड तुम बनाइए, कार्ड तुम बनाइए, कौन से गांव से आ रहे हो, कितने लोग आइए, मसीह और मैं ऑफिस में आप जब आओ तब आप नोट कराइए, आपकी सेवा का क्रम बता दिया जाएगा कि आप रुद्राक्ष बांटना है कि कहां खड़े होना है, कहां सेवा करना है। सेवा का मूल उद्देश्य लेकर करो सेवा। मिलता क्या है वो यही देख लो आपके कंजरी में। जिन घराने ने गुरु महाराज के घर की सेवा करी है उसका फल मिला है। और बच्चों को संस्कार होना चाहिए कि उनको भी कहा जाए सेवा नहीं छोड़ना, धार्मिक कार्य नहीं छोड़ना, कर मौका मिले खूब करो। इतना हाथ धोया कंजरी वालों ने और हलोल वालों ने, बाहर खड़े होकर पानी की बोतल दे रहा है, चाय पिला रहा है, कहीं से महिलाएं उनके ग्रुप आया हुआ है महिलाओं का, 150 महिलाओं का चाय पिला रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ कर, कितनी सेवा कर रहे हो, कितनी, कोई भोजनशाला में लगा हुआ है, कहीं भोजन का आनंद करा रहा है, कितनी सेवा कर रहे हो, इसका फल खाली नहीं जाएगा। कितना सुख मिला है, कितना प्राप्त किया है। और आगे भी जो कथा है बुरहानपुर की 3 तारीख से 9 फरवरी तक, उनसे कहूंगा बुरहानपुर वालों से, मौका मिला है अपना खजाना लुटाने का, मौका मिला है धन जोड़कर रखने के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो तो सब यहीं छूट जाएगा, पर जो शिव महापुराण में दान और धर्म कर पुण्य कर कमाया वो वहां तक काम आएगा। करो सेवा, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। भगवत तत्व को उठा रहे शिव तत्व, कहा मंथन हुआ, निकला विष, वो विष अमृत देवताओं को दे दिया, विष स्वयं पी लिए क्योंकि घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, देवाधिदेव महादेव थे, इसलिए विष पिया, देवताओं के लिए विष पिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना अमृत पीने वाले का नाम नहीं लिया जाता उतना विष पीने वाले का नाम आज तक लिया जाता है, आज तक विष पीने वाले का नाम लिया जाता है। होता है कोई कोई बहुत कड़क होता है। एक संत चतुर्मास करने पधारे एक गांव में, और चतुर्मास करने के लिए संत पधारे 4 महीना उन्होंने खूब प्रवचन दिया, खूब दिया, चतुर्मास पूरा हो गया, उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए गए, ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, तो जाते जाते गांव के लोगों ने कहा गुरु जी जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान की बात कह जाते तो हमारी जिंदगी सवर जाती। गुरु जी को तो गुस्सा आ गया, 4 महीने क्या करा मैंने, गुरु जी को तो गुस्से मिला, मूर्खोन पगले गधे, अकल नहीं है, ज्ञान की बात कह दो, गधे हो, मूर्ख हो, पगले हो, चलो यहां से जाओ। गुरु जी को गुस्सा, सारे गांव के लोग आने लगे, आपस में बात करने लगे, अपन ने तो इनको खूब ढोकला खिलाया था, गरम गरम देसी घी की रोटी भी दी, मालपुआ और कड़ी भी खूब खिलाई, खीर भी खिलाई, और गुरुजी ने जाते जाते कितनी गाली दी, आवान दे या गुरुजी को दूसरी बार तो देख लेंगे। गुरुजी चले गए, 22 साल के बाद गुरुजी फिर आए वही गांव में, गांव के लोग मिले उनसे, गुरुजी पहचान गए, गुरुजी बोले हम पहचान गए आप लोगों को, आप पहचान गए, हाँ गुरुजी आपको कुछ याद है, गुरुजी बोले मेरे को सब याद है, तुम्हें याद है, गुरुजी ने पूछा तो क्या हमको भी याद है, क्या याद है गुरुजी, याद करो गुरुजी, चतुर्मास करने आए थे स्टेशन पे हमको क्या कहा था, गुरुजी बोले हमने तुमको गधा कहा था, पगला कहा था, मूर्ख कहा था। अब गुरुजी बोले हमको सब याद है, अब तुम्हें जो 4 महीना प्रवचन दिया था वो याद है, नहीं याद है, हमें याद है,
गुरुजी बोले ये वही संसार है, अच्छा कितना भी कर देना, किसी की कितनी भी फाइल निपटा दो, कितना भी अच्छा कर दो, अगर एक काम उसका अच्छा नहीं करोगे तो वो 10 काम भूल जाएगा और एक काम को पकड़ के बैठ जाएगा। ये संसार है, गला पकड़ रहा है, ये संसार है। आप कितना भी अच्छा कर चल दो, उसके 50 काम कर दो और एक काम नहीं करोगे तो वो 50 काम को भूल जाएगा और एक काम को याद रखेगा, इसने मेरा ये काम नहीं करा था, इसने मेरा ये काम नहीं करा था। 4 महीना प्रवचन दिए, वो लोगों को याद नहीं रहे, पर रेलवे स्टेशन पर जाते जाते जो शब्द कहा वो 22 साल तक याद रहा, 22 वर्ष तक वो स्मरण में रहा। आप लोगों से भी एक निवेदन करेंगे, 7 दिन की कथा में कुछ याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी आए तब शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, बस इतना याद, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उस समय पर मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चले जाओ, उसका गुणगान कर लो, उसकी भक्ति कर लो, उसका भजन कर लो। करा, चढ़ाया, अमृत प्राप्त हो गया, देवता चले गए। अमृत पीने के बाद में देवताओं को थोड़ा सा अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार देवताओं के मन में आ गया। इंद्र अपनी अभिमत्ता में जीने लगा, सारे देव जितने भी देवता थे सब अपनी अपनी मस्ती में जीने लगे। इनको महसूस होने लगा कि अब हम अमर हो गए, हमें अमृत तत्व प्राप्त हो गया। ज्यादा गाड़ी, बंगला, सुंदर नारी, अच्छे बच्चे, सुंदर पोता पोती, बेटा बेटी, परिवार कुटुंब, इनको देखकर, जायदाद जमीन सब देखकर अहंकार मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है, जिस दिन उसका मन पड़ गया उस दिन श्वास आखिरी हो जाएगी और जाना पड़ सकता, उस दिन जाना पड़ सकता, क्षण भंगुर है ये। पड़ा रह जाएगा सारा खजाना, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। गाड़ी, बंगला, कोठी, सब धरा, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा फिर? क्या जाएगा? नहीं, फ्रिज ले जाना। क्या जाएगा? कुछ जो तुमने यहां शिव महापुराण की कथा सुनी है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को अगर छाया भी दी है, किसी के लिए कुछ अच्छा करा है, वो पुण्य तेरे पल्लू में बांधकर वहां तक चले जाएगा। पुण्य, पूंजी साथ नहीं जा सकती, पूंजी साथ नहीं जाएगी, पूंजी का पुण्य बनाना पड़ेगा, और पूंजी का जब पुण्य बनाओगे तब वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। कई लोग कहते हैं हम धन नहीं ले जा सकते, हम धन नहीं ले जा सकते, पूरी जिंदगी धन 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 करता करता आखिरी में हो गया निधन, पड़ा रहा सब कुछ, पूंजी नहीं ले जा सकते आप, ना सीहोर वाला महाराज ले जाएगा ना तुम ले जाओगे। और जितने लोग सुन रहे हो वो भी अच्छे से सुन लेना, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि पूंजी धन आप ऊपर ले जाओ। हमारी शिव पुराण कहती है, राम कथा कहती है, पूंजी का पुण्य बनाओ। पैसे लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जेब में से पर्स मार सकता है, बोलो सही है कि गलत है? पर्स कोई भी निकाल लेगा, अगर पर्स कोई निकाल लेगा तो एक काम करो, वो पैसे बैंक में जमा कर दो, और एक छोटा सा कार्ड आता है, है? वो छोटा सा कार्ड, बस उसको ऐसा फंसाओ और मशीन में से धड़ाधड़ 500 का निकल के हाथ में तुरंत। अब तुमने करा क्या, पैसे जमा करे अहमदाबाद में और निकल रहे कंजरी में, कितनी जोरदार बात, क्या करा, जमा वहां करा है। इसलिए पैसा तुम्हारे पास में परमात्मा देगा, उस पूंजी का तुम्हें
पुण्य बनाना है। पूंजी का पुण्य कैसे बनता है कि उस धन का सदुपयोग करो। कोई बीमार है उसकी औषधि में, किसी को पढ़ना है उसकी शिक्षा में, कोई है उसको देने में, कोई भूखा है भोजन में, प्यासा है पानी में, उस पूंजी का पुण्य बनाओ। और पूंजी का पुण्य बना लोगे तो पूंजी साथ नहीं जाएगी, पर वो पुण्य वहां तक साथ चला जाएगा, वहां काम आ जाएगा। पूंजी तो कोई साथ जाने वाली है। हमारे उधर कोई मरता है ना तो तीन चीजें उसके ऊपर फेंकी जाती है, एक फूल, मखाना और खुला पैसा। तुम्हारे इधर फेंकते हैं? हाँ, ऐसे फेंकते। वो अर्थी पे रहता है, उसी के ऊपर फेंकते राम नाम। किसी ने पूछा, गुरुजी फूल तो इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि पूरा घर भरा हुआ छोड़कर गया है, फूला हुआ छोड़कर गया है, इसलिए मखाना फेंका जाता है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंके जाते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले। पैसा फेंका, छाती पे पड़ा एक रुपया, यूं ही की यूं ही पड़ा है, हिल भी नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता। जिस एक रुपए के चक्कर में सुबह 9 बजे दुकान खोलता था, रात को 10 बजे आता था, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। ग्राहक आने वाला है, फोन पे बोल के गया था मैं आ रहा हूं, अभी तक नहीं आया। एक एक रुपए के चक्कर में, जरा सी जमीन और जायदाद के चक्कर में, जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में अपने परिवार से संबंध खराब कर लिया, अपने रिश्तेदारी खराब कर ली, दूसरे का धन बटोर कर रख लिया। अरे ओ पगला, कितने दिन बटोरेगा, कितने दिन इसकी जिंदगी जी लेगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, जब आखिरी का समय आएगा सब पढ़ा की पढ़ा रह जाएगा। किस काम का वो वैभव? जरा से धन के चक्कर में परिवार से संबंध खराब, जरा से धन के चक्कर में नाते रिश्ते खराब, जरा से धन के चक्कर में कुटुंब कबीला खराब, जरा से धन के चक्कर में सब कुछ खराब। अरे वो धन किस काम का जिससे संबंध ना रहे? किस काम का वो धन? करोड़पति भी मरता है ना, मरने के 10 दिन 15 दिन ताजी फूल की माला चढ़ती है, ताजा फूल, और फिर करोड़पति का फोटो भी टंग जाता है और प्लास्टिक के फूल टंग जाते हैं, वो भी हवा चलती है तो प्लास्टिक के फूल की माला हिलती है, वो प्लास्टिक के फूल की माला भी कहती है ज्यादा मत इतराना, हम पे चढ़ गए तुम पे भी चढ़ जाएंगे, वो माला भी कहती है। घर में बुजुर्गों का फोटो लगा होता है, घर में बूढ़े व्यक्ति का फोटो लगा होता है, घर में मरे हुए व्यक्ति का फोटो लगा होता है, वो क्या कहता है फोटो? वो फोटो तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए खड़ा होता है कि हमारी भी बहुत दुकान थी, हमारी भी बहुत फैक्ट्री थी, हम भी खूब कमाते थे, हम भी खूब जोड़ते थे, हम भी ऐसा आराम की जिंदगी जीते थे, हम भी क्रीज वाले कपड़े पहनते थे, पर यहां टंगा है। वो फोटो भी कहता है तुम्हें भी बाजू में टंगना, इसलिए ज्यादा ज्यादा अहंकार में जिंदगी मत जी। सियोर वाला महाराज बिल्कुल सही कहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो बाद में बेटा जल दे कि नी दे पता नहीं, पर शंकर पे चढ़ा हुआ जल वहां भी मिल जाएगा, प्राप्त तो हो जाएगा। करो सेवा जितनी कर सकते हो, भगवत भजन करो जितना कर सकते हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपो जितना जप सकते हो, जो मिल रहा। कंजरी वालों को 7 दिन मिले थे, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन विराम की ओर आएगा, समय गया, गई कथा, अब तो चली गई। उसके बाद लोगों ने कहा अरे हमारे पास में कथा हुई, हम तो हालोल में, हमारे यहां तो शादी थी, शादी के कारण में तो 3 दिन कथा में नहीं जा पाई, शादी में भी तो जाना पड़ता है। भोलेनाथ जी ने कहा शादी के समय पर गुरु जी ने कथा इसलिए रखी कि लोगों को देखना था कि तुम्हारे संबंध वहां के निभाओगे कि यहां के निभाओगे, संबंध देखा जाता है। शादी में गए रिश्तेदारी निभाई तो यहीं रह गए, यहीं। जिसकी शादी में जाते हो कभी उसी शादी में मालूम पड़े कोई तकलीफ आ जाए, या जब उनकी शादी वादी हो गई और होने के बाद में होता है कई कई घरों में तलाक की बात आ जाती है, तलाक की बात आ जाती है तो इतने लोग खाके गए थे, इन सबको कोर्ट में ले जाके खड़ा करो, इनने गुलाब जामुन खाई थी, इनने पानी पतासा खाया था, बोलो खाया था कि नहीं खाया था, इतने बैठे हो
सबकी शादी में खाया और उनके यहां दुख आया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अदालत में बात पहुंच गई, कोर्ट में ले जाके वो खड़े हो गए और जिन जिन को पत्रिका दी थी सबको बुलाओ कोर्ट के अंदर, हर 15 दिन में पेशी पे आओ, पूरी के पूरे कंजरी वालों आओ। तो कंजरी वाले के जिंदगी में कभी शादी में नहीं जाओ, किसी की जाके कभी गुलाब जामुन नहीं खाओ, उससे अच्छा है हमारे गांव के महंत जी कथा कराएंगे, मैं तुम्हारे चली जाऊंगी, भंडारे में जाके नुक्ती से और पूरी खा लूंगी, पर गुलाब जामुन शादी में नहीं खाऊं, क्योंकि बार बार पेशी पे कौन जाए। बस यही देखा जाता है, मरोगे तब कभी। इधर नरक में 94 तरह के नरक होते हैं और बैकुंठ केवल एक, बैकुंठ केवल एक है, नरक 94, हर जगह पेशी पे जाना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर ले जाएंगे पकड़ पकड़ के। खूब झूठ बोली थी दोचो, खूब झूठ बोली है, अब नहीं बोलूंगी। धड़कता हुआ, गरुण पुराण में लिखा है, धड़कता हुआ अंगारा लकड़ी को जलता हुआ मुंह को खोदा जाएगा, अंगारे को भरा जाएगा, चीखेगी, अब नहीं बोलूंगी, मोबाइल पे बहुत झूठ बोला, अब नहीं बोलूंगी। भगवान भी कहेगा ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। दिन भर दुकान पे बैठा रिया, कथा में 5 मिनट नहीं बैठा, इसका मन ही नहीं लगे कथा में, क्या करे कहीं नहीं, इतना बड़ा रोटी का तवा गरम करा हुआ, धधकता हुआ बिठा दिया उसी पे, 24 घंटा दुकान नहीं छूटती थी, कभी सत्संग भजन नहीं करा, अब धधकते हुए तवे पे से उठा के अब नहीं बैठूंगा दुकान पे, कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। 10 मिनट भी कथा में जाकर बैठ जाता तो वो धधकता हुआ तवा पे नहीं बैठ। अब खूब मांसाहार करा, खूब मांसाहार, ना जाने कौन कौन से पशुओं का मांस खाया है, क्या करना है उन्हीं के पास ले जाके छोड़ दो, जिस जिसका मांस भक्षण करा था उसने नोच नोच के खाया, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरी बिरयानी क्यों बना दी, खुद की नोच नोच कर खाया, बटोर बटोर के हाथ जोड़ रहा है, कभी मांसाहार नहीं करूंगा, कभी नहीं, छोड़ दो। भगवान के अभी तो बहुत सारी पेशियां बाकी, तू रुक तो जा, अभी रुक तू, अभी तूने जो जो करा है, गुटका खा के रस्ते में थूक दिया था, ना जाने कौन सा देवी देवता था उसके ऊपर पिचकारी चला दी, पान खाया थूक दिया, अब ले गए इसको अगली पेशी में, अब कहा एक जगह पे ले जाके बिठा दिया, अब जहां से लोग निकलते थे वहीं थूक रहा है इसके ऊपर, क्या कि कभी गुटखा खा के नहीं थूकूंगा, मुझे क्या मालूम था, दिल्ली में बैठ कर लोग कहते थे स्वच्छता का ध्यान रखो, स्वच्छता अभियान अपनाओ, अब अभियान अपनाऊंगा कहीं नहीं थूकूंगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया लोग अपने पर थूकते हैं, फिर जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा, कर्म के अनुसार तुम्हारी गति है, कर्म के अनुसार तुम्हें भोगना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए भगवान शिव का पावन चरित्र वर्णन करता है महाराज, पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को रोग से मुक्त करा, मल्लिकार्जुन का वर्णन करा, कार्तिकेय को भगवान ने दर्शन दिया, फिर महाकाल का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस का संहार बाबा देवाधिदेव महादेव ने करा, फिर वर्णन आया है महाराज जी ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को विराजमान किया, वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर भगवान को विराजमान करा, भीमा शंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र भीम, जिसका संहार भगवान शिव ने करा, भीमा शंकर नाम पड़ा। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु सत्रुपा ने तप कर शिव को प्राप्त करा, त्रंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उस दोष से मुक्त होने के लिए शिव की आराधना करी, फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी, रावण शिवजी को लेकर चला था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान प्रकट हुए और उसका संहार करे, रामेश्वरम भगवान राम जी ने स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे राघव जी भगवान शिव को स्थापित कर रहे हैं, भगवान शिव तत्व को प्राप्त कर रहे, शिव भक्ति को प्राप्त। अगला वर्णन आया है सुंदर घृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की
दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा को बेटा हुआ, सुदेहा को संतान नहीं, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बड़ा कर कर उसकी शादी कर दी। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। क्रोध आ गया सुदेहा को, बहू गई थी मायके, बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। नियम था शिवलिंग का निर्माण करती पार्थिव का पूजन करती घुष्मा, शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने गई और मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, भाव प्रकट हुआ बेटे को पाने का। मरा हुआ बेटा तालाब में से जीवित बाहर आ गया, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई, पति बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त होकर अपनी धर्म पत्नी के साथ में भगवान शंकर के चरणों में निवास करने लगा। ये शिव महापुराण की कथा है। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शंकर भगवान ने अपनी जटा से बेलपत्र को उतार कर शिवपोथी को समर्पित करा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, 7 दिनों में 6 दिवस तक जो बेलपत्र पोथी पर चढ़ती है वो औषधि का कार्य करती है, और 7वें दिन के बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। जो जिस भाव से कथा के मंडप में बैठकर, कथा के सम्मुख में बैठकर या किसी भी माध्यम से कथा को श्रवण करता है, उसके कार्य हमेशा देव अधिदेव महादेव संभाल कर पूर्ण करते हैं।